पब्लिक टीवी आपकी आवाज। डीएसए की ओर से रेलवे स्टेडियम में चल रहे अवस्थी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में दूसरा सेमीफाइनल डिजाइनको और चंदोसी के मैच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में डिजाइनको की टीम ने चंदोसी की टीम को 77 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। डीएसए के सचिव व पूर्व रणजी खिलाड़ी विजय गुप्ता ने बताया कि दूसरा सेमीफाइनल डिजाइनको और चंदोसी के बीच खेला गया। डिजाइनको के कप्तान आशु ढाका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिसमें डिजाइनको ने निर्धारित 30 ओवरों में 9 विकेट खोकर 204 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। मैच के दौरान विजय गुप्ता, प्रदीप टंडन, बदरुद्दीन, विपिन गुप्ता, संजय अग्रवाल, सुशील शर्मा, नजाकत अली, नितिन गुप्ता, नासिर कमाल, नावेद, योगेंद्र गौतम, प्रवीण कुमार और निहाल खान समेत अन्य भी मौजूद रहे। मैच के एम्पायर जमाल अहमद और रईस खान रहे। ये अवस्थी टूर्नामेंट है, प्राइज मनी 40,000 रुपए हमने प्राइज मनी रखा है दोनों टीमों के लिए। और ये सर वीएन अवस्थी के नाम से ये टूर्नामेंट हो रहा है। ये हमारे स्पोर्ट्स के टीचर थे कॉलेज में और बहुत बच्चों को बड़ा इनक्रेज करते थे स्पोर्ट्स में, बहुत अच्छा बहुत था। तो हम इनके नाम से टूर्नामेंट कराते हैं उसी जमाने से जब हम स्टूडेंट 53 में हमने ये टूर्नामेंट शुरू किया था और अब तक बराबर चला रहा है और 18वां ओवर चलता हुआ है। इसमें हम शुरू में तो ये कोशिश की कि लोकल टीम्स आए ताकि यहाँ के बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा मिले। उसके बाद हमने कई साल तक बाहर के बच्चों को बुलाया, लेकिन यहाँ ग्राउंड ज़्यादा बढ़िया नहीं है मुरादाबाद के अंदर। और हमने चार रणजी ट्रॉफी भी कराई यहाँ, लेकिन अब ग्राउंड अच्छा नहीं है। और अब जो क्रिकेट होती है उसके हिसाब से ठीक नहीं है। तो सारे खिलाड़ियों को मुबारकबाद, ये चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे अच्छे खिलाड़ियों को देखे खेलते हुए, जिसने कैच पकड़ा है वो नाम बता दें मिलेगा उस बच्चे का। अगले साल से हम ये कोशिश करेंगे। दो साल पहले हमने कानपुर, रजत है क्या, रजत गाजियाबाद, रजत तोमर, ठीक है, उत्तराखंड, सब टीमें बुलाई थी। किन किन टीमों के बीच में ये मैच हो रहा है? अब ये जो है 8 टीमें हमने इस टूर्नामेंट का नाम बता दें 8 और आज ये सेमीफाइनल है, सेकंड सेमीफाइनल। बहुत अच्छी मैचेस हुई हैं, बड़ी अच्छी रोमांचक दौर पे मैचेस खेली गई हैं।